अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से डिजिटल वेलबीइंग की ऐप को अपने फ़ोन के ऊपर से रिमूव कर सकते हैं। तो डिजिटल वेलबीइंग की कौन सी ऐप होती है? अगर आप कोई भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर डिजिटल वेलबीइंग एक ऐप होती है जिसकी मदद से आप जो बहुत सारी अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये डिजिटल वेलबीइंग की ऐप कहाँ पर मौजूद होती है। यहाँ पर आपको ये डिजिटल वेलबीइंग और पेरेंटल कंट्रोल नज़र आ रही है, तो इसको आपने रिमूव करना है। ऐप जो होती है वो बेसिकली सिस्टम ऐप होती है और इसको आप रिमूव नहीं कर सकते नॉर्मल तरीके से। तो इसको रिमूव करने के लिए आपने सबसे पहले जाना है सिस्टम सेटिंग्स के अंदर और यहाँ से डेवलपर ऑप्शंस के अंदर आना है। अगर आपको ये डेवलपर ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे तो आपने बैक आना है और फिर अबाउट फोन में आ जाना है और यहाँ पर आपको बिल्ड नंबर नज़र आएगा और इस बिल्ड नंबर के ऊपर आपने जो है वो 7 दफ़ा प्रेस करना है। तो जब ये 7 दफ़ा प्रेस कर लेंगे तो उसके बाद आप दोबारा सिस्टम सेटिंग के अंदर आएंगे और दोबारा डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आके यूएसबी डीबगिंग को आपने इनेबल कर लेना है। उसके बाद एक एप्लीकेशन है जिसको मैंने आपको बताया हुआ है पिछली वीडियोस, इसका नाम है सिस्टम एप्स अनइंस्टॉलर। तो इसको आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर के ऊपर। और इसके अलावा आपके कंप्यूटर के ऊपर ADB ड्राइवर्स इंस्टॉल होने चाहिए। वो ADB ड्राइवर किस तरीके से इंस्टॉल करने हैं ये आपको मैंने एक वीडियो में आपको एक्सटेंसिवली समझाया हुआ है, तो आपने वो वीडियो पहले देख लेनी है अगर आपने ADB ड्राइवर्स अभी तक डाउनलोड नहीं किए। ADB ड्राइवर्स डाउनलोड और सिस्टम ऐप्स अनइंस्टॉलर आपके लैपटॉप के ऊपर डाउनलोड हो तो आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो आपने इसको ओपन कर लेना है और अपने फ़ोन को डाटा केबल के साथ कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो मैंने इसको कर लिया है ओपन, आपने येस पे क्लिक कर देना है और आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। जब ये चीज़ आएगी तो यहाँ पे आपके मोबाइल से आपसे पूछेगा कि क्या आप इसको अलाउ करना चाहते हैं कंप्यूटर को, तो आपने यहाँ से अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जो है आपकी मोबाइल की डिवाइस आपके उसके साथ कनेक्ट हो गई है। अब आपको अनइंस्टॉल कैसे करना है, आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है अपने फ़ोन के ऊपर जिसका नाम है स्किट। तो ये वाली ऐप है, तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। इससे आप पैकेजेस के नेम वगैरह जो है वो अपने मोबाइल के ऊपर जो रीड कर सकते हैं। तो इसके पैकेज का नेम यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर डालेंगे तो आपके जो जो डिजिटल वेलबींग वाली ऐप है वो आपके कंप्यूटर से रिमूव हो जाएगी। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिजिटल, तो मैंने डिजिटल लिखा है तो सबसे पहले हमारे पास जो है डिजिटल वेलबींग की ऐप आ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका पैकेज नेम है google.com.google.android.apps.wellbeing। तो यही जो है हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लिख लेते हैं। तो ये वाला जो लिंक है आपने स्क्रीन के ऊपर जो देख सकते हैं कि मैंने लिख लिया है com.google.android.apps.wellbeing। अब मैं इंटर के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको सक्सेस का ऑप्शन जो है वो शो हो गया है। अब दोबारा मैं सेटिंग में जाके चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास डिजिटल वेलबींग का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से और दोबारा मैं स्क्रॉल नीचे करता हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से डिजिटल वेलबींग जो ऑप्शन है वो रिमूव हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल के ऊपर से डिजिटल वेलबींग को रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और इस जैसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए तारिमान को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।